सो हे गाइज, दिस इज़ नायक कुयुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कश्मीरी इनोवेटर्स। एक सेकेंड गाइज, हम आज ना कुछ अलग करते हैं, इंट्रो अलग से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि फाइनली हमारी जो यूट्यूब चैनल है, इस पर पहली Q&A वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो है हमने स्टार्ट करी है। आज आपके क्वेश्चन एंड वाई के आंसर्स होंगे। चले, मज़ा बहुत आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज, पहला क्वेश्चन हमें किया है मिस्टर आबिद यूसुफ फ्रॉम बिजबहरा। तो भाई, आपकी कमेंट बहुत पसंद आई हमें, और मैं इसके आंसर में यही बोलना चाहूँगा, सारा कुछ यार आप लोगों तक ही है। आप हो तो नायक कुयुम है यार। जब भी आपको मेरी चैनल पे कोई भी वीडियो जो आपको पसंद है, उसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए यार। चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है अपग्रेड होने में, तो इंशाअल्लाह हमारी वीडियोज लोगों तक खुद ही पहुंच जाएगी जब आप लोगों का प्यार हमारे साथ होगा। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमें सेंड करा है आशिक भट्ट ने, जो कि सच में रिश्तेदारों वाला, रिलेटिव्स वाला क्वेश्चन है कि आपका एम क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता उनको मैं बोलूं कि मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, एंड अल्लाह की मदद से मैं अपने गोल में लगभग 40% कामयाब हो चुका हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी मैं काम करता रहूँ और 60% भी अचीव कर लूँगा। एंड कुछ इनोवेशन मैंने करी है, कुछ रिसर्च मैंने करी है, और कुछ पे अभी भी काम चल रहा है। सो गाइस, इसका अगले वाला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था कि आपने क्या क्या किया है और ये आप कहाँ करते हो। तो मैं आपको बोलूँ कि मैंने अपनी जर्नी 6th class से स्टार्ट करी है, जबकि मैंने कुछ इनोवेशंस करी है। जैसे कि मैंने 6th class में एक मशीन बनाई थी जिसका नाम राइस सेपरेशन मशीन, जो कि मैंने यार घर के काम के लिए बनाई थी, चावल साफ़ करने के लिए, एंड उसमें मैंने घर का वेस्ट यूज़ करा था। तो उसके बाद ही मेरी जर्नी अच्छे से स्टार्ट हुई, एंड मैंने उसके बाद बहुत सारी इनोवेशंस करी, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ के प्रोटोटाइप्स बनाए, वर्केबल मॉडल्स बनाए। ठीक, मैं आपको इन जनरल अब बोलूँगा। उनमें एक बाइसिकल बाई विनोवर था, कि हम विनोइंग अगर चार बंदे करते हैं तो वो एक ही बंदा बाइसिकल से करता था। सॉरी, उसमें मेरी बाइसिकल चली गई थी। तो और एक उसके बाद मैंने करी कि हम कैसे सोइंग, पी सोइंग, जो लाइन सोइंग होती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो कैसे करें। ठीक, उसके लिए कुछ मशीनें आ गई है जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा प्राइस है उनका, एंड वो हम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बेसिक एक इनोवेशन बनाई सोइंग मशीन, जिसको फिर मैंने अपग्रेड करके ऑटोमेटिक सोइंग मशीन बनाई, एंड इस मशीन से हम जो हमारा एक दिन का काम, वो हम आधे दिन कुछ आज में ही ख़त्म कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि हमारा एग्रीकल्चर फील्ड। उसके अलावा मैंने एक इन्वेंशन करी जो कि एयर पोल्यूशन को टोटली वैनिश करती है। हाँ गैस, इस इनोवेशन का नाम था एनवो क्लीनर, जो कि डेंजरस 3 gases को टोटली ख़त्म कर देती थी। एंड उसके बाद मैंने एक रोबोट बनाया, सी क्वाइब रोबोट, जिसका मेन काम था, ये तो ऑर्डिनरी काम करता ही था, मेरे टच को पहचानता, मेरे रिटिना को पहचानता था, या लाइट सेंसिंग, या ये तो ऑर्डिनरी प्रोग्राम्स थे। उसमें एक प्रोग्राम ऐसा था कि मैं कैसे अपने रोबोट को, जो हमारे रोबोट की रेंज होती है ना, रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट की रेंज, उसके ज़्यादा रेंज में अपने रोबोट को मैं ईजीली कोऑर्डिनेट कर सकूं। तो मैंने क्या किया उसके लिए, मैंने उसकी रेंज इतनी बनाई कि मैं एक स्टेट में अगर हूँ तो मैं दूसरी स्टेट में अपने रोबोट को ईजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक, हाँ, काफ़ी मज़ेदार था। ये बात कि मैं इनोवेशंस कहाँ करता हूँ, मेरे रूम के साइड वाला जो एडजेसेंट रूम है, वहाँ पे मैंने एक क्लब बनाया है, एंड वहीं पे मैं सारे इनोवेशंस का काम, हमारी क्लब मीटिंग, सारा कुछ वहीं पे होता है। आइए थोड़ा सा वहाँ आपको लेके चलता हूँ। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेंड करें मिस्टर शशि, जो कि दिल्ली से है, कि भाई कॉलेज कब खुलेंगे। भाई देखिए, आपने ऐसा क्वेश्चन करके ना हमें डरा दिया। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अभी भाई ना थोड़ा चिल मार रहा है, क्योंकि भाई को जब ये मैसेज मिली कि शायद मास प्रमोशन या कुछ होगा हमारा, ठीक है, अभी वेट करते हैं ना, कोई जल्दी नहीं। क्वेश्चन हमें सेंड करा है हर्टलेस, तो इनका क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टॉप फॉलिंग इन लव। तो आपने अब भाई से क्वेश्चन किया है, तो भाई भाई के नाते छोटे भाई को ये बोलेगा कि आप मेरे एज के हो, मेरे से छोटे हो, जो भी हो, मेरे भाई को मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे पाऊँगा, बट फिर भी आप जाके इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी मेरे साथ इस रिलेटेड बात कर सकते हो। एंड आपके नाम से ही लगता है यार, आप सख्त लोंडे हो, तो घबराने की कोई टेंशन नहीं है, भाई अभी ज़िंदा है, आपको अच्छे से मैं इसके बारे में सारा बोलूँगा, आ जाइए, मिलते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेंड करा है काजी मुश्ताक की, व्हेन वी विल मीट। तो भाई मैं आपको बोलूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मिलेंगे। एंड इनका और एक क्वेश्चन है कि मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं आपको पूछने के लिए, एंड भाई इंशाल्लाह आपको मिलेगा, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेंड कर रहा है शाह बुरहान, इनका क्वेश्चन रिलेटेड क्रिकेट है, एंड मैं इनको यही बोलना चाहूँगा हाँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलता इन द सेंस बैटिंग नहीं बॉलिंग करता हूँ, एंड ज़्यादातर मुझे खेलने में पसंद है वॉलीबॉल। यस, वॉलीबॉल। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बट ओबुसाकी ने, जिनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड मैंने ये बचा के रखा था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनका क्वेश्चन है कि कोरोना के क्या फ़ायदे हैं। लिटरली हम सोचते हैं कि कोरोना ने हाहाकारी मचाई हुई है, हर तरफ प्रॉब्लम, लॉकडाउन एंड ऑल दैट, बट इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। मैं आपको बोलूँगा कि हमारा हाल तो बेहाल है, बट हमारी जो अर्थ है ये खुद को रिकवर कर रही है, हमारे रिवर्स जो है वो खुद को रिकवर कर रहे हैं, ठीक, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स जो भी थी वो हमारी वजह से थी, हम लोग उसके ज़िम्मेदार थे, बट अब हम लोग कैद हो गए हैं, हम जैसे पिंजरे में बंद हैं, पोल्यूशन करने वाला कोई क्रिएट करने वाला नहीं बचा है, तो पोल्यूशन लिटरली कम हुआ है। एंड इसके यही फ़ायदे हैं कि हमारे, अपने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी सारे रिवर्स बाई नेचर वो साफ़ हो गए हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है। एंड इस रिलेटेड तो हमें कोरोना को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी बहुत करी है, बट कोरोना की वजह से फ़ायदे भी बहुत हैं, हमें सफाई का सलीका मिला, इन द सेंस हमारे मैनर्स टोटली चेंज हो गए हैं, ठीक, और सभी क्लीन रहने लगे, अभी भी कुछ लोग हैं, ठीक है, जो साफ नहीं रहते। सो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम करते हैं वीडियो का दे एंड, जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके लिए सॉरी, हम अगले Q&A सेक्शन में उन क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। एंड आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट कीजिएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, अब नहीं छोड़ूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कर दो यार, सपोर्ट की ज़रूरत है भाई को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।